हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज अभी देख सकते हैं हम लोग एटीएम में कुछ पैसे निकाले हैं, और पैसे निकाल के आगे कहाँ पे आपसे मैं बताने वाला हूँ, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि थोड़ी देर पे मिलते हैं, तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ रायपुर से 50 किलोमीटर दूर। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नेशनल हाईवे है ये, और मैं अभी खड़ा हूँ आरंग पे, जो नदी गुजरती है उसके ब्रिज पे खड़ा हूँ दोस्तों। और आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही सुबह का बेहतरीन नज़ारा है। सुबह 9 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ 50 किलोमीटर दूर रायपुर से आ चुके हैं। और दोस्तों अभी हमको और सफर जाना है यहाँ से आगे, तो आज बने रही है मेरे ब्लॉग पे। अभी दोस्तों हम लोग देख सकते हैं अच्छी इसकी स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन तो मौसम तो क्या ही बोले, मौसम का तो भाई कोई जवाब नहीं है, लाजवाब मौसम है आज। और हमारे यहाँ चावल ही चावल की खेती देख सकते हैं, चारों तरफ चावल ही चावल की खेती है दोस्तों। देख सकते हैं हाईवे पे काम चल रहा है। ओ भाई क्या धूल है यार, सुबह नहा धो के निकलो। और भाई इन लोग का जो है धूल मट्टी, भाई टारगेट था कि 9 बजे तक पहुंचना था, बोलते दोस्तों बीच से निकाल दिया जाए। भैया जाने तो जाने, हम तो नहीं जाएंगे, हम चलेंगे आराम से। भाई आप लोग भी समझते हो कि जो ड्राइवर होते हैं उसकी नज़र सामने होनी चाहिए, ना कि दाएं बाएं। तो भाइयों वो देखो सामने पहाड़, ये हमारा रास्ता, और वो पहाड़ के ऊपर में है मुंबई माता का मंदिर। तो दोस्तों अभी तो यहाँ से डिवाइडर है, हमको यहाँ से क्रॉस कर, और यहाँ से हमको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, फिर सिग्नल इंडिकेटर, देन हमको यहाँ से जाने हैं ललिता का ब्रेकर है। मज़ा आ गया। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, पहले खल्लारी माता कवर करेंगे, वहाँ पे अपन देखते हैं क्या सीन है। और अब उसके बाद जैसे ही वहाँ से होने के बाद हम आएंगे, लास्ट हमारा लोकेशन ये रहेगा मुंबई। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, इसलिए इसको, और यहाँ से रास्ता थोड़ा सा गांव के हिसाब से दोस्तों ख़राब रास्ता है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, गाँव की हरियाली के बीच हम क्या लहलाते खेत है दोस्तों, वाह। कमेंट करके बताओ किन किन को गाँव से ज़्यादा शहर अच्छा लगता है, ये वाला रास्ता, वो वाला रास्ता, कौन सा रास्ता। एक बार अपन कहाँ गए थे, एक रास्ता वहाँ चले गए थे क्या, आई थिंक हाँ ये वाला रास्ता है भैया, खल्लारी वाला। सोचा मैं दाई से बात कर लूँ, लेकिन दाई माई मत कर दे करके बात नहीं किया। भाई ये जंगल के बीच से होते हुए हम लोग जा रहे हैं भाई और बहनों, और अगर मान लीजिए यहाँ से टाइगर आ जाता है, तो अगर ऐसी हाल में अगर मान लो मेरी जगह आप होंगे दोस्तों, और अगर यहाँ से टाइगर निकल के आता है, तो क्या गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओगे या आपके पीछे जो भी रहेगा पहले शेर को उसके हवाले कर दोगे। भाई किसको किसको पसंद है ताज़ी हवा खाना और गांव के मॉल पे ड्राइव करना घूमना, भाई कमेंट करो यार, कमेंट करो भाई। ओ भाई यहाँ से निकलेगा टाइगर, और टाइगर का खाएगा बकरी, खाएगा बकरी। भाई एक टाइम मैं भी बकरी चराया करता था यार, मज़ा ही आ जाता था। हमारा बचपना में जब हमारे पेंट में छेद हुआ करता था बड़ा सा दोनों तरफ, बात तो सही है दौड़ा, और उस पर हम लगा देते लाल पीला कलर का कपड़ा लगा के जब सिलाई होता था, और हम भी घुमा करते थे दोस्त। कौन कौन भाई का पेंट फटा रहता था बचपन में, कमेंट करो भाई। भाई गाँव में तो लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं ना मंगल ग्रह से आया हूँ या चांद से, एलियन की तरह देख रहे हैं भाई। भाई अपना काम है, हम तो भाई घूमेंगे फिरेंगे। भाइयों आप लोग सपोर्ट करो, पूरा पृथ्वी घुमाऊंगा। और भाई अगड़ बगड़ बाग में बंदर का झोपड़ा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई समझ लो ना आगे का कहानी आप लोग को पता है, समझदार हैं भैया। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भाई को सपोर्ट करो, ताकि आपको पूरा पृथ्वी देखना है भाई। अपन है ना पूरा पृथ्वी देखेंगे सब मिलके, ठीक है। आप बस सपोर्ट करो, पृथ्वी मैं आपको घूम के दिखाऊंगा कितना बड़ा है और कहाँ क्या है।
हम ज्वालामुखी के पास भी जाएंगे, हम अंटार्कटिका भी जाएंगे, ठंडी से ठंडी और गर्म से गर्म जगह भी जाएंगे। इधर है मैडम, राइट लेफ्ट। हमारे मैडम को जब ना गाड़ी निकल जाती है वहाँ से, तब उनको ध्यान आता है कि यार अरे हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ सामने भी एक तो ये पहाड़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही पहाड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों वो जो रहा खल्लारी माता का मंदिर, और हम लोग भाई लोग का गणेश विसर्जन हो चुका है। खुशी खुशी रहना तेरा दिन कहना कंगन जचना। लगभग 70 सीढ़ियाँ चढ़ी है और यहाँ पे जो है बजरंगबली की यहाँ पे आपकी मूर्ति है, बहुत सुंदर। और फिर आप देख सकते हैं ये, अब यहाँ से भी और चलना है 850 सीढ़ियाँ दोस्तों। तो दोस्तों जब शहर के लोग ऐसे जगह पे आते हैं ना, तो उनकी हालत जो है ना ऐसी हो जाती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी यहाँ, लगभग सीढ़ी हमने चल ली है 260। ये देखिए यहाँ से अभी और ऊपर हमको जाना है, 850 सीढ़ियाँ चढ़नी है टोटल। और आप बताइए यहाँ पे हम क्या क्या देखने आए हैं, अपने व्यूवर्स को बताओ। यहाँ हम देखेंगे माता के मंदिर के अलावा शेर गुफा, भीम पाँव, भीम चूल्हा और भीम डोंगा। अच्छा, और यहाँ की क्या मान्यता है, क्या क्यों मतलब लोग इस मंदिर के पास आते हैं अपनी मन्नत के लिए, और मतलब क्या है यहाँ की जो इतिहास है, कुछ बता पाएंगे आप? अभी दोस्तों यहाँ दुकानें, अभी देखिए सुबह के 10 बजे हैं, तो काफ़ी लोग अभी दुकानें यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, और नवरात्र यहाँ बहुत करीब है। और यहाँ फिर दोस्तों अभी जितना ये खाली लग रहा है उतना ये खाली नजर नहीं आता है, इतनी भीड़ होती है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंदूर, और अरे ये तो इसी का दुकान है। अच्छा हाँ। क्या नाम है इसका? क्या निहार। अच्छा, बोले जो बोले सो निहार, जो बोले सो निहार। ओके, ये दोस्तों क्या नजारा है यार, बहुत बेहतरीन नजारा है। चल गंगा हम।
लोग यहाँ से जा रहे हैं, देख सकते हैं काफी दो चट्टानों के बीच सकरा जगह, और यहाँ बाबा जी बैठे हुए और दोस्तों यहाँ से और काफी सकरा रहता है। भाई मैं बैग लेके तो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, चलिए आपको यहाँ से अब नीचे लेके चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं दंतेश्वरी, पहले शेर गुफा और उसके बाद जो और यहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं पहाड़ में वो जगह आपको लेके चलेंगे, और उसकी जो इतिहास कहानी है कथदंती वो भी आपको बताएंगे। काफी देख सकते हैं ये रास्तों पे अगर आप आए तो थोड़ा संभल के चलें क्योंकि सीधी ढाल है। तो ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे माँ दंतेश्वरी गुफा। तो दोस्तों इस ये गुफा है, देख सकते हैं आप। अब चलिए यहाँ से आपको गुफा के दर्शन कराते हैं, आप देखिए ये कैसा सकरा गुफा है, और यहाँ से हमको काफी सकरा गुफा है दोस्तों। ये सीधे नहीं जा सकते, रेंग के जाना पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से चल के निकल पाऊँ। फिर यहाँ से मैं अपने बैग को थोड़ा सा टांग लेता हूँ। ओह भाई भाई, ओ बैग मेरा टूटा, वेरी गुड। दो बोतल ले दो, ये मेरा बोतल गिर चुका है दोस्तों। और यहाँ पे थोड़ा सा खड़े होने के मिल रहा है। ओह चलिए यहाँ से तो माँ दंतेश्वरी भाई जय माँ, एडवेंचर से कम नहीं है जगह, यहाँ एडवेंचर भी मिलेगा आपको। तो ये फाइनली हम यहाँ से देखे इतने छोटे से जगह से होकर के आए हैं। अब यहाँ पे ये माँ दंतेश्वरी, यहाँ पे ये देखिए माता का स्वरूप। गुफा से निकल गए हैं माता के दर्शन करके, देखिए अब ऐसे रास्ते से होकर के हमको आगे बढ़ना है। भाइयों काफी एडवेंचरस है, यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे माता गुफा से हम लोग अंदर से बाहर आ चुके हैं, और दोस्तों अब जहाँ पे जा रहे हैं तो थोड़ा मैं उसके बारे में आपको बता दूँ ताकि जब आप देखें और आपको भी वो वहाँ की जो इतिहास है उसके बारे में आपकी जानकारी होती है तो देखने में बड़ा मजा आता है। तो जैसे कि इतिहास की माने तो पांडव महाभारत जब युद्ध हो रहा था उस समय वो इस ओर जब आए थे तो इस पहाड़ की कहीं आसपास में उन्होंने विश्राम करने का फैसला लिया। तब रात्रि काल के समय में जब वो आराम कर रहे थे तो भीम पहरेदारी कर रहे थे और चार पांडव माता कुंती आराम कर रहे थे। तो इसी पर्वत के ऊपर में दो राक्षस रहा करते थे, तो दोनों बहन भाई थे। तो बहन जब भाई ने बहन को बोला कि जाओ आप उन मानव का शिकार करके ले जाओ, मुझे भूख लगी है। जब वो इस ओर आई भीम को देख करके वो मोहित हो गई, और जब वो मोहित हो गई तो उसने कन्या का रूप लेकर के भीम के पास गई और उनको सचेत किया कि और रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए, मेरे जो भाई हैं वो आपका वध करने के लिए मुझे भेजे हैं, शिकार करने के लिए भेजे हैं, और आप यहाँ से चले जाइए, वो थोड़ी देर में इस ओर नहीं तो वो आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, काफ़ी देर हो गया तो वो भी इस ओर आ गया, और जब उसने देखा कि भीम के पास उसकी बहन है और वो मोहित हो गई है तो वो भीम से युद्ध करने लगा। तो युद्ध काफ़ी देर चला दोस्तों, पहाड़ हिलने लगा, चट्टाने गिरने लगी, इसी बीच भीम का पैर जो है चट्टान पे पड़ गया और पड़ा इस प्रकार की उसके पैर के निशान बन गए। तो दोस्तों युद्ध के बाद में वो राक्षस का वध भीम ने कर दिया, और जैसे ही पता चला माता कुंती को तो कि उसके भाई का वध हो गया, वो अकेली हो गई है, तो भीम के साथ उसका अपनी विवाह कर दिया, और वो चार पांडव और माता कुंती यहाँ से चले गए, और काफ़ी समय तक वो दोनों यहाँ पे निवास करे। और उनका एक पुत्र था, उनका नाम मुझे अभी नहीं पता है। तो
दोस्तों चलिए आगे चलेंगे, आपको वो भीम के पैर के निशान, भीम चूल्हा और भीम डोंगा और भीम पत्थर, ये चार चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज ब्लॉग पे बने रहे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। और दोस्तों इसी प्रकार हम हर जगह चलते रहेंगे, आगे भी चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो प्लीज चले चलते हैं। मनीषा जी आ रही है सामने से, काफी सकरा और देख सकते हैं रास्ते की कठिनाइयों भरा है। वैसे जानकारी की ये भी मानना है कि ये शेर गुफा यूं ही नहीं है, जो माता का शेर जो है वो यहाँ पे अपना आराम किया करता था, तो उसकी लिए यहाँ पे शेर गुफा का यहाँ पे बनाया गया है। देखिए तो चलिए दोस्तों ये देख लिया हमने, अब आगे हम और चलते हैं। तो दोस्तों वो शेर गुफा से हम निकल चुके हैं, चलिए आगे और आगे चलते हैं। वहाँ भीम पाँव है, भीम चूल्हा है, भीम डोंगा है और भीम पत्थर है। फिलहाल अभी कुछ ही 10-12 दिन बचे हैं नवरात्र के बाद में दोस्तों, ये जगह यहाँ पे इतने लोग आते हैं यहाँ पे खड़े होने के लिए, आपको जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। देखिए ये तो ऐसे पत्थरों पे जगह जगह पानी भरा हुआ है और यहाँ पे मेंढक हैं, तो ये सब दोस्तों जंगल है, कुछ भी और कहीं भी रहता है आपको पता ही। चलिए आपको और मैं नहीं है, बाकी ये देख सकते हैं ये जो पैरों के निशान, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये जो भीम पांव के नाम से है, और आप ऐसे देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ये मान सकते हैं कि ये वाला जो है ये अंगूठा है और ये बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से लेफ्ट पैर का, ये जो पानी भर गया दोस्तों अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा उतना ज्यादा। और दोस्तों इधर का व्यू आप देखिए बहुत ही बेहतरीन व्यू है दोस्तों, यहाँ का देखिए वाह 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 दोस्तों, क्या ही ताजी हवा है, क्या ही नजारा है दोस्तों। आई होप मुझे ऐसा देख करके आप लोगों को बहुत ही मन कर रहा होगा, तो मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है। और अगर आपको माहौल के साथ में यहाँ पे मजा लेना इस जगह का, तो नवरात्र में दोस्तों अभी 2023 या 11-12 तारीख से मेरे ख्याल से नवरात्र है, तो उस बीच में आप आइए, काफ़ी क्राउड मिलेगा और यहाँ पे आपको सेल्फी पॉइंट समझ लीजिए दोस्तों काफ़ी। आप देख सकते हैं पहाड़ है मेरे और यहाँ पे मेरे को ट्रेन दिख रही है बहुत ही लंबा, बहुत ही दूर दूर तक ऐसा शहरों पे देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है। तो दोस्तों चलिए आप यहाँ से चलते हैं, आपको मैं भीम चूल्हा दिखाता हूँ दोस्तों, पास में ही भीम चूल्हा यहाँ पे। चलिए लिखा हुआ भी हुआ है, बड़ा कितना विशाल, और भीम और पांडव कितने मतलब उस समय कितने बोलते हैं भाई कि एक टाइम था कि लोग काफी, आज के समय तो हाइट उतना नहीं होता है, उस समय 10-12-15 फीट के ऊंचे ऊंचे लोग हुआ करते थे, और समय के साथ शरीर और खान पान के हिसाब से बदलाव हो गया, तो पहले के लोग ऐसा मानते हैं कि 12-15 फीट के हुआ करते थे, उनका चूल्हा छोटा सा ही होगा दोस्तों, काफी बड़ा ये चट्टान के उन्होंने काट करके यहाँ चूल्हा बनाया, यहीं पे वो खाना बनाया करते थे। दोस्तों जितना भी थकान था मेरा, यहाँ पे जो हवा आ रही है दोस्तों ताजी, और नीचे देख सकते हैं काफी हरा भरा माहौल देख करके दोस्तों मेरी फ्रेश खजाना भी जाती है। हालांकि थोड़ा सा दौड़ भाग की वजह से सांस ऊपर नीचे हो रही है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे आपको और एक चीज दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे जो है ना माता का मंदिर, यहाँ देखिए यहाँ भी दिख रहा है। तो अभी चलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं, भीम डोंगा देखते हैं।
तो आइए दोस्तों, चौथा और लास्ट जो आपको दिखाने का है डोंगा पत्थर, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो आइए पास से मैं आपको दिखा देता हूं। और ये आप देखिए सामने में, यह डोंगा पत्थर कितना बड़ा पत्थर है दोस्तों, और इतने छोटे से पत्थर के ऊपर में कितने टन का, कितना वजनी पत्थर देखिए किस तरह से यहाँ लटका हुआ है दोस्तों। इसके आकार का ऐसा होना और ये पत्थर नीचे जो है छोटे पत्थर उसको संभाले हुए हैं, और ये इसके आकार डोंगा के आकार का होने की वजह से इसको डोंगा पत्थर का नाम दिया गया। और बाजू में ये जो आप मंदिर देख रहे हैं इसका निर्माण काफी साल से रुका हुआ है, और यहाँ पे है डमरू के आकार का एक डमरू पत्थर। तो दोस्तों इतनी जानकारियां जो मैंने आपको आज बताई है अपने ब्लॉग में, आई होप आप लोग को देख करके और ये जानकारी जो मैंने आपको दी है इस ब्लॉग में, तो आप लोग को कहीं ना कहीं मजा आया होगा। तो दोस्तों इस मेहनत के पीछे और इस जानकारी के पीछे और काफ़ी समय और एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों ऐसी ही जानकारी मैं आगे और आपको देता रहूँगा। और दोस्तों मेरी इस मेहनत के लिए और मेरे इस हौसले के लिए, तो दोस्तों यूं ही लास्ट तक प्यार बरसाते रहें और मेरे साथ जरूर निभाते रहें ताकि फ्यूचर में भी मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनिंग और ऐसे रोचक जगह पे जाकर के चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा जो आप और मेरे लिए दोनों के लिए एक एग्जाम्पल बना रहे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।